पर भी केस लगाया गया। क्यों भाई? जमहूरियत में हमारा हाथ लगाए जा रहे हैं, क्या हमारी तरफ से कभी कहीं ऑब्जेक्शन हुआ? कितने स्टैचू चट्टियाल में लगाए जा रहे हैं? क्या अपना हक मुसलमानों का है इस मुल्क पर? हम किसी से कमतर नहीं है, तुमसे ज्यादा हम लोग जाने निछावर किए हैं, कुर्बानियां पेश किए हैं, इस खून देकर इस चमन को सींचा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिम्मत बढ़ाइए, आप लोग मेंबरशिप कीजिए, आप लोगों का आना, आप लोग मैं जो आज यहां पर जो नौजवान मुहिबान मजलिस आमा बोलते रहो मंसूर नहीं मंसूर साहब नहीं भाइयों के गुण में स्वागत करो भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंसूर साहब अफरोज नहीम साहब अफरोज बशीर सलमान सर सर ईसा खान పార్టీ మీటింగ్ జరుగుతుంది సల్మాన్ ఎంఎం పార్టీ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఎంఎం ప్రెసిడెంట్ రాహిల్ ఇప్పుడు ఎవరెవరు విజయ్ చెప్పాలి సార్ వైజ్ ఓకే రైట్ సార్ షారుఖ్ అమ్మ సార్ సాహబ్ ఇయ నాజిమ్ పఠాన్ ఏదో పఠాన్ బహుత్ జజ్బా హై హమారే అజర్ భాయ్ ముఖీమ్ భాయ్ ముఖీమ్ భాయ్ ఏక్ మినిట్ ముజీబ్ భాయ్ మాషా అల్లాహ్ ముజీబ్ భాయ్ ఆసిఫ్ భాయ్ అహ్మద్ సాహబ్ నవీద్ ఫయాజ్ ఫయాజ్ రాహుల్ కి బాత్ నీ కర్ రహా హూం
हाफिज साहब आप डाल दो, मशू आप ही डाल लो, हम लोग एक ही जमात के। जोर से दो जरा। माफी जा रहा हूँ अजीम भाई, जरा अकरम आजा, अकरम आजा, आजा। नारे तकबीर इमायब इमायब अमीन भाई। रॉयल फंक्शन हॉल में इस्लामपुरे में 28 वार्ड की जानिब से यहाँ के जो जिम्मेदार हैं बारी हाफिज साहब, हाफिज असद साहब और यहाँ के सदर जनाब मोहम्मद रजियुद्दीन साहब और जो जिम्मेदारान हैं उनकी काविशों की वजह से, उनकी कोशिशों से और ख़ासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम की वजह से जो हुकूमत के साथ बात करते हुए मुसलमानों की नुमाइंदगी को देखते हुए यहाँ के तकरीबन 150 से ज़ायद यहाँ के नौजवान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज ज्वाइन किए हैं, शमूलियत इख्तियार किए हैं और फिर इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे। और बच्चे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो बच्चे जोश और खरोश के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ कि कौम की खिदमत के लिए जो आगे आ रहे हैं अल्लाह उनको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको कायम और दायम रखे और हमारे कायदीन की आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से हमारे कायदीन की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में एक अच्छा तासुर देकर उभरेगी इंशाअल्लाह। बोलो भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह।